तुम मेरा प्यार हो, मेरी जिंदगी, मेरी आत्मा, मेरा सब कुछ, और तुम कह रहे हो कि मैं चांदनी के पास चला जाऊं? समझने की कोशिश कीजिए ना, एक तरफ वो हमारे घर की इज्जत को पाहुतले रौंद रहे हैं और दूसरी तरफ। दूसरी तरफ क्या? मैं अपने मायके में भाई साहब, भाभी साहब और बाबू का अपमान होते देख रही हूँ ना। कावेरी को समझाना बहुत मुश्किल है, नहीं जानती कि कावेरी को क्या मिलता है ऐसी जली कड़ी बातें कहकर। तुम लोग एकदम अचानक आने से पहले फोन कर लिया होता तो फिर सरप्राइज ही क्या रहता। हाँ, ये घर थोड़ा छोटा है पर हमने नया घर देखा है अभी, वहाँ हम शिफ्ट हो भी जाते, लेकिन मेरे मदर एंड फादर इन लॉ थोड़े पुराने ख्यालों के हैं और तुम तो जानती हो पुराने लोग कैसे होते हैं, कोई चीज बदलने ही नहीं देते। अरे क्या बैठने नहीं कहोगी? हाँ हाँ, कम सिट। मम्मी जी, पापा जी, आप प्लीज अंदर चले जाइए। अरे मम्मी जी, ये मटर भी लेते जाइए, इसे कहाँ छोड़े जा रही हैं, लीजिए। तुम लोग बैठो, मैं आती हूँ। तारा भाभी। हाँ। वह एक्चुअली मेरी कुछ फ्रेंड्स आई हुई हैं, तो क्या आप दो स्वीट लाइम सोडा बना सकती हैं? और हाँ, थोड़ा जल्दी, वो ज्यादा देर रुकेंगी नहीं। उन्होंने जो बदतमीजी की उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं अभी जाकर उनसे बात करती हूँ। नहीं शुभ्रा, घर की तो बात है, इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है। अंदर कौन है कावेरी? अंदर मिसेस ब्रिजेश सिंह है, वो सिंह परिवार की बड़ी बहू। बेचारी किस्मत ने लाकर उन्हें सड़क पर पटक दिया, लेकिन हम सब तो ये सब नहीं देख सकते ना। जिसका घर बार नहीं होता है उसे हम अपने घर में जगह दे देते हैं। पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती ऐसे? प्रॉब्लम तो होती है, अब मेरे एक लौते पति कमाने वाले और इतने सारे लोग खाने वाले, अब इनको भूखे मरते हुए तो नहीं देख सकते ना। जाने कितने तूफानों के गुजरने के बाद हम फिर से एक हुए, और तुम चाहती हो कि मैं चांदनी के पास चला जाऊं? तो मैं चाहती हूँ कि हम दोनों के बीच फिर से दूरी आ जाए। कौन कहता है कि हम दूर रहेंगे नाहर? हमारे शरीर दूर होंगे, आत्माएं नहीं। और दूरियां है भी तो क्यों? इसलिए ना कि आप अपने पुरखों का मान सम्मान फिर से पाने की लड़ाई लड़ सके। आप ही तो कहते हैं ना, सच्चा राजपूत वही होता है जो दूसरे की रक्षा के लिए प्राण देने में भी ना हिचकिचाए। फिर ये तो अपने पुरखों की अमानत है, इसकी रक्षा के लिए क्यों नहीं लड़ेंगे? जिंदगी की हर लड़ाई तुम्हारे साथ मिलकर लड़ी है मैंने सलोनी, तुमसे अलग होकर मैं कैसे लड़ूं? हर पल आपके साथ ही हूं ना, आपको मेरे सर की कसम, मेरी बात मान लीजिए। जानती हूं कि इस लड़ाई की कीमत हम दोनों के लिए बहुत बड़ी है, लेकिन जो दांव पर लगा है वो तो अनमोल है। मत भूलिए ना, ये लड़ाई हमारा अपना फिर से एक बार पाने की लड़ाई है। एक राजपूतानी को अपने सुहाग पर विश्वास है कि वो जीत कर दिखाएंगे। मेरे विश्वास की रक्षा कीजिएगा। तुम पागल हो गए हो क्या सलोनी? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि हम चांदनी की शर्त मानकर वहां वापस लौट जाएंगे? तुम्हें याद है सलोनी, तुम्हारी शक्ति हो कि मुझे भरोसा अपने पति और भाई साहब पर,
हम मेहनत करके अपना खोया हुआ मकाम पा सकते हैं। कहाँ गया तुम्हारा हम पर से यकीन सलोनी? इतने कमजोर नहीं है हम कि उन जैसे लोगों के सामने जाकर हम अपने घुटने टेक दें। भरोसा है भाई साहब, आप पर और आपके भाई पर पूरा भरोसा है मुझे। पैसा, दौलत, मान सम्मान सब कुछ वापस पाने की ताकत रखते हैं आप लोग, लेकिन आपके पुरखों की अमानत भाई साहब, उसे कैसे चोर चोर होता देख सकते हैं आप? वो घर, वो राजगद्दी उनके हवाले कैसे कर सकते हैं आप? लेकिन सलोनी, लेकिन क्या भाभी साहब, आपके देवर और मैं एक दूसरे से अलग रहने को तैयार हैं। अगर आप लोग हमारे प्यार का जरा भी सम्मान करते हैं तो आपको हमारी बात माननी ही होगी। कैसे मान ले सलोनी, कैसे मान ले? अपने स्वार्थ के लिए तुझे हम कैसे दुख पहुंचाएं? क्या तू जानती नहीं कैसे तेरा दिल रोएगा नाहर से बिछड़कर? सह पाएगी तू? नहीं सह पाऊंगी बाबा, लेकिन अगर मेरे परिवार के मान सम्मान को, अपने पुरखों की इज्जत को ठेस लगी तो मैं खत्म हो जाऊंगी बाबा। बस बाबा, अब इसके आगे और कोई कुछ नहीं कहेगा। आप लोगों को मेरी कसम, चांदनी की शर्त मान लीजिए। उम्मीद है आप लोग मेरी कसम का मान रखेंगे। सलोनी कहाँ जा रही हो तुम? नाहर को छुड़वाने। अगर शाम तक उनकी जमानत नहीं हुई तो उन्हें जेल भेज देंगे। चांदनी जी, शाम होने में बहुत देर नहीं बची। नाहर की तरफ से अगर किसी को आना होता तो अब तक आ चुका होता। पछताएंगे अगर जवाब नहीं दिया तो। अब थोड़ी देर और इंतजार कीजिए, अगर फिर भी कोई संदेशा नहीं आता है तो पुलिस स्टेशन जाइए और नाहर के खिलाफ दहेज और मुझे फिजिकली टॉर्चर करने का इल्जाम लगा दीजिए, ताकि किसी भी हालत में नाहर की जमानत ना हो पाए। हुकुम, सलोनी जी आपसे मिलने आई है। भेज दो उसे अंदर। और हाँ, आज के बाद सलोनी के नाम के आगे जी लगाने की गलती कभी मत करना। जी। कह रही थी कि चांदनी, मैं आ गई। हाँ तो वकील साहब कही। चांदनी, 5 बजने के बाद नाहर को जेल। सलोनी तुम देख रही हो ना, मैं वकील साहब के साथ बिजी हूँ। काम करते हैं कि पार्टी से कहते हैं कि वो अपनी बेस्ट टीम। चांदनी, 5 बजने वाले हैं। सलोनी, तुम मुझसे नाहर की रिहाई की भीख मांग रहे हो, और भीख मांगने के भी कुछ तौर तरीके होते हैं। जा, सीख। माफी चाहती हूँ मैं चांदनी, लेकिन मैं नाहर को जल्द से जल्द छुड़वाना चाहती हूँ। वो तुम्हारी शर्त पाने के लिए तैयार है, तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार है। अच्छा, क्या हो? एक रात भी नहीं गुजरी काल कोठरी में और सारी हिकड़ी निकल गई उस राजपूत की। और वो तुमने क्या कहा था, भारी भारी सा
सतीत्व, मंगल सूत्र, सिंदूर, इन सब की कोई अहमियत नहीं रह गई क्या नाहर के दिल में? जाने वक्त सदा एक सा नहीं रहता, ऊपर वाले के कहर से डरो। ऊपर वाला? सलोनी, ऊपर वाला सिर्फ हारे हुए लोगों की उम्मीद का नाम होता है और कुछ नहीं। तुम ही बताओ, तुम्हारे हिसाब से तो तुम्हारा ऊपर वाला मुझसे नाराज होगा, फिर भी जीत किसकी हुई? किसकी हुई सलोनी? मेरी। आज तुम्हारे सामने दाता बनकर कौन खड़ा है और मेरे सामने अपनी झोली पसार, अपने सुहाग की भीख मांगता भिखारी बनकर कौन? सलोनी, नाहर को रिहाई तो जरूर मिली, लेकिन इस तरह नहीं, मेरे सामने हाथ जोड़कर। हाथ जोड़ो सलोनी, छोड़ो छोड़ो, हाथ छोड़ो सलोनी। हाथ जोड़ो सलोनी, वक्त बीता जा रहा है। बाहर को छुड़वा दो, मिस्टर नाहर, मिसेस चांदनी सिंह ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली है, इसलिए आपको रिहा किया गया। कांस्टेबल सर, दरवाजा खोलो। हाय नाहर, ऐसे समझदार जो अपनी जिद पर नहीं है। अच्छा हुआ डिनर से पहले अकल आ गई, वरना कहाँ जेल का रूखा सूखा खाना और कहाँ नाहर सिंह के लायक पकवान। मैं सलोनी से कुछ देर बात करना चाहता हूँ। आराम से आना, मैं इंतजार करूँगी। आफ्टर ऑल जरा हम भी तो देखें, ऐसे बड़े बड़े लोग जब छोटे लोगों के सामने अपना सर झुकाते नजारा कैसा होता। दीदी, आपकी ये मुस्कुराने की कोशिश आपका दर्द नहीं छुपा सकती। मैं जानती हूँ आपने ये सब क्यों किया, लेकिन इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार अपने बारे में तो सोचती। अपने परिवार के मान सम्मान के लिए अपनी जिंदगी, अपनी खुशियाँ, अपना भविष्य सब कुछ दांव पर डाल दिया। शुभ्रा, मैं नाहर की अर्धांगिनी हूँ, उनकी हर मुश्किल में उनके बराबर के साथ ही। उनके परिवार पर आई मुश्किल अब मेरी अपनी मुश्किल है। मैं तो अपने आप को किसी तरह संभाल लूंगी, लेकिन एक बार वो घर तबाह हो जाए तो फिर से संभल जाना मुश्किल है। चैन की सांस ली है मैंने कहीं जाकर, उस भीड़भाड़ में ना मेरा दम ही घुटा जा रहा था। वैसे बहुत हैरानी होती है मुझे सलोनी दी के ससुराल वालों पर। अब सलोनी दी ने अपना दिल बड़ा करके उन सबको यहाँ बुला लिया, लेकिन उन्हें अपनी अक्ल का थोड़ा सा तो यूज करना चाहिए था ना। मतलब किसी के घर आके इतने दिन थोड़ी ना डेरा डाल दिया जाता है। कावेरी भाभी,
वो कोई गैर नहीं थे, दीदी के ससुराल वाले थे। और फिर मुसीबत के वक्त अपने ही तो अपनों के काम आते हैं। अपने? कौन सी दुनिया में जी रही हो तुम शुभ्रा? जब सलोनी दी और नाहर कवरसा की शादी कानूनन गलत है, तो कौन सी ससुराल और कौन से अपने संबंधी? हे भगवान, अब कौन समझाए इन मोटी बुद्धि वालों? मुझे तो उस दिन का इंतजार है बस, जब मेरे घर का सौदा हो जाएगा और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इतनी उतावली क्यों हो रही है बेटी? जीत की जानकार जब कानों में पड़ेगी तब वो तो थिरकेंगे। हाँ, वो तो है, लेकिन इस जीत का श्रेय तेरे सर जाता है। इस घर का चिराग आज तेरी वजह से सर झुकाकर हमारे सामने खड़ा होगा ऐसे। कानूनन मेरे से अपना ही घर समझो। सिर्फ नाहर के लिए था, पूरे गांव को जीमन पर नहीं बुलाया था मैंने। चांदनी, मैं एक शर्त पर यहां रहूंगा कि मेरा पूरा परिवार मेरे साथ रहे। ठीक है, रह सकते हैं, मगर पहले इन सब से कहो कि ठाकुरों के घर में आने का तौर तरीका सीखकर मुंह उठाया और घुसाए अंदर न खमा घड़ी न सलाम। अपने बाप के घर में उसका श्राद्ध मनाने आ रहे हो क्या? खबरदार जो अपनी गंदी जबान से मेरे बाबा साकना। ब्रिजेश, सब्र बाबा सब्र। पूरी जिंदगी मालिकों की तरह जिए, नौकरों की तरह जीना सीखने में दो चार दिन का वक्त तो लगेगा ही। आइए पधारिए, थोड़ा आराम कर लीजिए, डिनर का वक्त भी होने ही वाला है। पता नहीं कितने दिनों से भर पेट खाना तक नसीब नहीं हुआ। ए, रुक जाओ, हवेली के अंदर कहाँ घुसे जा रहे हो? हर इंसान की औकात का ही होता है, नौकरों के साथ रहने का बंदोबस्त किया जाएगा सबका। पदम सिंह, चिल्लाओ मत। ये मत भूलो कि तुम लोग हमारी शर्त मानकर यहाँ आए, राजसी मेहमान नवाजी का आनंद उठाने के लिए नहीं। मैं जो कहूंगा उसे आदेश समझकर सर झुकाने की आदत डालो, समझे? रहने दीजिए बाबा, रहने दीजिए, जो कुछ भी हो आखिर हैं तो सब मेरे पूज्य ससुराल वाले। इतना बुरा नहीं कर सकती मैं इन लोगों के साथ। आप लोग एक काम कीजिए, गेस्ट रूम्स में जाकर किसी तरह एडजस्ट हो जाए। सच्चे हालात तो मेरी शादी से पहले थे,
कहाँ जल्दी? भाई कानूनन हम पति पत्नी हैं, तो फिर पति की जगह पत्नी से अलग कैसे हो सकती है? आप तो हमारे साथ हमारे कमरे में रहेंगे और आप लोग यहाँ खड़े होकर मेरा मुंह क्या देख? कहा ना गेस्ट रूम में जाइए और एडजस्ट हो जाइए।